जय हिंद जय भारत साथियों साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा इसमें बात करने वाला हूँ नए लोग राजनीति की शुरुआत कैसे कर सकते हैं किस तरह से उन्हें सफलता मिल सकती है उन्हें अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है खासकर से ऐसे लोग को जिनका परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा है उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने बार बार बोलता हूँ राजनीति के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है राजनीति में क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और उन समस्याओं के क्या क्या समाधान आप करेंगे यदि आपको समस्याओं का ही नहीं पता है तो आप समाधान भी नहीं कर पाएंगे सबसे पहले जानने की कोशिश करिए जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं आर्थिक रूप से जब चुनौतियाँ आएंगी राजनीति में तब क्या करेंगे जब परिवार साथ नहीं देगा तब उस स्थिति में क्या करना होगा जब आपके पास टीम नहीं होगी या टीम नहीं बना पा रहे होंगे तब क्या करेंगे उन परिस्थितियों के बारे में पहले से ही सोच करके यदि आपको पता हो क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं तो उन चैलेंजेस का समाधान करना आपके लिए आसान हो जाएगा तो सबसे पहली चीज तो अगर आप वाकई राजनीति में सफल होना चाहते हैं और सफलता के रूप में शुरुआत करना चाहते हैं अपने आप है को जानिए और राजनीति को जानिए अपने गुणों को जानिए आपके अंदर क्या क्या गुण हैं कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो राजनीति में काम आ सकते हैं कौन से ऐसे गुण हैं जिनको डालना पड़ेगा आपके आपके अंदर होने चाहिए या राजनीति में जिन गुणों की जरूरत है कौन से गुण हैं जिनको निखारने की जरूरत है सबसे पहले अपने आप को जानना और राजनीति को जानना और राजनीति के लिए कौन से गुण फिट होते हैं उन गुणों पर कितना काम किया जाना चाहिए क्या आप वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको जानिए अगर आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करने की जरूरत है अगर आपको लगता है आपको राजनीति की नॉलेज नहीं है राजनीति की बारीकियां नहीं पता है पर्दे के पीछे की राजनीति कैसे काम करती है वेव बिल्डिंग क्या है शेडो कैंपेनिंग क्या होती है मैन टू मैन मार्किंग क्या होती है किस तरह से हमें राजनीति को तैयार करना होता है अपने आप को राजनीति के लिए तैयार करना होता है अपने क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए क्या क्या काम करने होते हैं जब अगर ये नहीं पता है इनको जान लीजिए तो सबसे पहला काम सही शुरुआत करने के लिए राजनीति को जानना और खुद को जानना आप राजनीति के लिए कितने फिट हैं आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं या नहीं है अगर पॉलिटिकल मटेरियल है तो किस हद तक 80 परसेंट नाइनटी परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट उसमें कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है अगर पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है तो कौन कौन से गुण नहीं है आपके अंदर जो आपके अंदर होने चाहिए अगर आपको राजनीति में सफल होना है तो शुरुआत करते समय सबसे पहले सबसे पहले कदम यही होगा खुद को जानना और राजनीति को जानना दूसरी चीज राजनीति में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है खासकर से उन लोगों के लिए जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा होता उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि मैं राजनीति में आगे बढ़ूंगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा काम धंधा कैसे चलेगा परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे सपोर्ट करेगा तो मेरे घर परिवार जो जो लोग मुझ पर डिपेंड हैं उनकी जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कौन कौन से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नेताओं के पास होते हैं वो नहीं पता नेताओं के पास तीन तरह के सोर्स ऑफ इनकम पैसिव में होते हैं जिसमें वो रेंटल इनकम जनरेट करते हैं उनके पास बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर होता है आम इंसान को मालूम ही नहीं है अब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसका पूरा परिवार उसकी सैलरी पर निर्भर है और सैलरी तभी आएगी जब वो काम करेगा नौकरी छोड़ दी या नौकरी पे नहीं जा पा रहा है अपना समय राजनीति को दे रहा है राजनीति में सफलता पाने में भी समय लग रहा है और जॉब पे भी क्योंकि समय नहीं दे रहे हैं तो वहाँ भी परफॉर्मेंस लो हो रही है अब वो व्यक्ति राजनीति में कैसे आगे बढ़ेगा तो पैरलि कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कहीं से तो कोई ऐसा सोर्स हो जहाँ पर आपके राजनीतिक खर्चों के लिए और आपके निजी खर्चों के लिए पैसा आता रहे या अगर आपके पास पैसा नहीं है मान लीजिए आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप कहते हैं नहीं मुझे राजनीति में करियर बनाना है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो भी आप राजनीति में शुरुआत कर सकते हैं सफल हो सकते हैं फिर आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आप पर दाव खेलने के लिए तैयार हो कम से कम जो आपके निजी खर्चे हैं जो आपका राजनीति का खर्चा है कहीं ना कहीं से पार्टी से संगठन से क्योंकि कई लोग यहाँ भी आकर एग्जाम्पल देते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का या और भी राजनेताओं का उनके पास तो पैसा नहीं था उन्होंने तो जीरो से शुरू किया वो तो फकीर थे फकीरी में जिंदगी शुरुआत की ठीक है अच्छी बात है वो फकीर थे लेकिन उनके मित्र तो थे उनके पास ऐसे मित्र आज भी हैं जो उनके लिए धन तन से तैयार बैठे हैं तब भी उनके मित्र थे उन्होंने मित्रता कैसे की क्यों की वो लोग इनके मित्र क्यों बने जब वो व्यक्ति कोई भी अगर सत्ता में नहीं है या सत्ता के शीर्ष पर नहीं है तब मित्रता कैसे हुई कुछ तो गुण रहे होंगे ना भले आप उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करें ना करें भले आप उस व्यक्ति को पसंद करें ना करें लेकिन उससे तो सीखना पड़ेगा आपके पास भी अगर ऐसे मित्र हैं ऐसे दोस्त हैं ऐसे रिश्तेदार हैं ऐसे जानकार लोग हैं जो आपके ऊपर दाव खेलने के लिए तैयार हैं तो आप राजनीति में सही शुरुआत कर लेंगे सफल हो जाएंगे और यदि आप कहते हैं मेरे पास अपना पैसा भी नहीं है और मेरे पास लोग भी नहीं है तो सवाल आपके ऊपर भी है आपकी जितनी भी उम्र है बीस साल तीस साल चालीस साल पचास साल आपने जीवन में कमाया क्या अगर आप कहते हैं मैंने पैसा नहीं कमाया समझ में आता है आपने लोग कमाए होंगे आप कहते हैं मैंने लोग नहीं कमाए तो समझ में आता है आप पैसा कमाया होगा अब आप कहते हैं ना तो मैंने पैसा कमाया ना ही लोग कमाए तो जीवन में आखिर किया क्या और ये सवाल मुझसे नहीं है ये सवाल खुद से करने की जरूरत है आखिर मैंने अपने जीवन में क्या कमाया ना तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर दाव खेलने के लिए तैयार हो ना तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जो मेरे घर उठाने के लिए तैयार हो कोई ऐसा मार्गदर्शक मेरे पास नहीं है जो मुझे सही गाइड करने को तैयार हो और ना मेरे पास अपना पैसा है अपने संसाधन है तो ऐसी स्थिति में या तो संसाधन इकट्ठा कर लो या लोग इकट्ठे कर लो जो मैं बार बार बोलता हूँ कोई जरूरी नहीं है कि आज ही राजनीति में एंटर कर जाए जरूरी नहीं है कि आप तीस वर्ष की उम्र में राजनीति में नहीं आएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा पैंतीस में चालीस में पैंतालीस में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं भारत की राजनीति में जो पहले जॉब करते हैं जॉब पूरी कंप्लीट करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं उसके बाद बीस तीस साल राजनीति करते हैं बहुत सारे आई ऑफिसर हैं बहुत सारे आई ऑफिसर हैं पहले अपने आप को इतना स्थापित कर लो कि आपका कोई नाम हो जाए आपके पास मिनिमम संसाधन हो जाए वरना कल बहुत दिक्कत आने वाली है एक और बड़ी चीज जो शुरुआत के समय पर ही अक्सर ध्यान नहीं दे पाते लोग या अक्सर गलती हो जाती है आपका अपना राजनीति का स्तर क्या है आप किस स्तर के राजनेता बनना चाहते हैं वो आपको जानना पड़ेगा और किस स्तर पर राजनीति करेंगे वो जानना पड़ेगा क्या आप फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने या बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए बने कई बार क्या होता है मेरे अंदर जो गुण है वो बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए है और मैं फ्रंटल पर प्रयास कर रहा हूँ प्रयास भी कर रहा हूँ समय भी लगा रहा हूँ संसाधन भी लगा रहा हूँ मुझे सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है मेरी जो इनर कोर कैपेसिटी है कैपेबिलिटीज हैं जो मेरी क्षमता है वो फ्रंटल के नहीं बैक की है और मैं प्रयास फ्रंटल पे कर रहा हूँ या उल्टा है मान लीजिए मेरे अंदर क्षमता ऐसी है जो बैक एंड की और मैं प्रयास फ्रंट पर कर रहा हूँ तो भी नुकसान हो जाएगा तो अपनी क्षमताओं को जानना कि आपके अंदर क्षमता किस स्तर की है और आपके सपने किस स्तर के हैं या तो उस सपने को उस स्तर पर लेकर के आइए जिस स्तर की आपके अंदर क्षमता है या अपनी क्षमता को बढ़ा करके उस स्तर पर लेकर आइए जिस स्तर का आपका सपना है ताकि आप सफल हो पाए फिर भी कोई दिक्कत है कोई परेशानी है राजनीति की शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है बात कर सकते हैं संपर्क कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे मुझसे बात करिए मेरी टीम से बात करिए मैंने किताब लिखी है राजनीति पर जिसका शीर्षक है राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है आपको मेरी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट आई पी एल इंडिया डॉट ओ आर जी वहाँ वो बुक मिल जाएगी आप वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं ऑडियो बुक के रूप में भी है हार्ड कॉपी के रूप में भी है ताकि आपको सफल पता चल पाए राजनीति में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और आप उन चैलेंजेस के लिए कितने तैयार हैं और कितना तैयार और होने की जरूरत है ताकि आप राजनीति में सफल हो पाए राजनीति के शिकार होने से कम से कम बच पाए